वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड अगर आप लोगों को ई स्पोर्ट्स कम्युनिटी से रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहिए तो आप लोग गेम एक्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वहाँ पे आप लोगों को ई स्पोर्ट्स की सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। इसके जो टॉप कमेंट्स है वो मैंने अपनी स्क्रीन पे मेंशन कर दिए, एंड आप लोगों को भी यहाँ पे फीचर होना है तो आप लोग भी कमेंट्स कर सकते हो। एंड इसके बाद सब्सक्राइबर एंड लाइक गोल मैंने स्क्रीन पे लिख दिया, एंड होप करता हूँ आप लोग कंप्लीट कर दोगे। एंड इसके बाद बात करते हैं हम लॉन्च पार्टी के बारे में, तो काफी इंटरेस्टिंग लॉन्च पार्टी के मैचेस हमें देखने को मिल रहे हैं। एंड जो 32 क्वालिफाइड टीम है वो आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रही होंगी। होप करता हूँ यार आप लोग भी लॉन्च पार्टी को एंजॉय कर रहे होंगे, एंड अपनी भी बेस्ट मोमेंट लॉन्च पार्टी की आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड इसके बाद नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है स्काउट को लेकर। तो स्काउट है, उन्होंने बात करी थी अपने एक ही मोटिव को लेकर जो कि इंटरनेशनल ट्रॉफी का, तो उन्होंने इस पर क्या बोला वो आप लोग देख लो। ट्रॉफी उठाएंगे तो गाइस पक्का बताएंगे आप लोग, पक्का बताएंगे। अब तो ट्रॉफी आएगी ही, तो सवाल ही। अब पता है, सही बताओ तो मैं अब ट्रॉफी का स्ट्रेस नहीं इंडिया के अंदर। अब मेरे को सीधा है कि भाई इंटरनेशनल, जब जो पहले बोलता ना भाई इंटरनेशनल पहुंचना, वहाँ खेलना भाई, वापस इंडिया का फ्लैग लगाना हो। 5 साल से इंडिया का फ्लैग लगा नहीं होता, अब लगा इस बार तो डेफिनेटली आएगा। और भाई फुल मोटिवेटेड पंप सब हो रखे भाई, क्या बोलता है? और नहीं तो गाइस फुल ग्राइंड होगी, इंटरनेशनल ट्रॉफी आके रहेगी। मैं ऐसा कुछ सुपर नेचुरल बातें नहीं करूँगा कि वो मैं जब देख मार छूट देंगे, ऐसा नहीं होने वाला भाई। टाइम लगता है, ऑब्वियस सी बात है। लॉन्डे हमसे ऑलरेडी 1 साल आगे थे, अब लॉन्डे और आगे चलेंगे, तो समझ लो कि हमें वही है जो तो बफर है ना, वो बफर को फट फट हटाना पड़ेगा। तो उसका एक ही सोल्यूशन इंटरनेशनल स्क्रिम्स, ग्लोबल स्क्रिम्स, जो बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं कि इस बार इंटरनेशनल क्रिकेट से कट ऑफ नहीं करेंगे। वी विल 100% ट्राई टू पार्टिसिपेट एटलीस्ट ट्वाइस इन अ वीक, जिससे हम इंटरनेशनल क्रिकेट में एक रहे रोल में। लेट्स सी। के बाद आप लोगों को भी पता ही है कि जो क्राफ्टन है उन्होंने एक न्यू रूल निकाला है 18 एज का, एंड इससे काफ़ी लोग दुखी हैं। एंड देखने वाली बात ये है कि जो बीस्ट हैं, जो नियो हैं, जो एस पावर हैं, वो हमारे को खेलते हुए दिखाई देंगे या नहीं। तो इसके ऊपर जो बीस्ट हैं, जो 8-bit के प्लेयर्स हैं, उन्होंने रिप्लाई कराया, साथ में हेक्टर ने भी रिएक्ट करा, तो उन्होंने क्या बोला वो आप लोग देख लो। इन सर्च ऑफ गॉड माइटी वी लॉस्ट द डायमंड बीस्ट। नहीं, बीस्ट तो वही गाइस लाइनअप में है अभी, बस एक चीज कंफर्म हो रही है कि बीस्ट अभी ना सीन बढ़ रहा है गाइस कि 18 के नीचे वाले बंदे शायद बच्चे खेल सकते हैं कि नहीं खेल सकते ई-स्पोर्ट्स। एक बार वो कंफर्मेशन मिल जाएगी तो 20 भी आपको देखने को मिलेगा, तभी तुमको नियो भी नहीं दिख रहा होगा अभी खेलता हुआ, या फिर कम दिख रहा होगा। क्या क्या कर रहे हो बाबू, जिम विम जा रहे हो मैं सुना इनके साथ बाबू? अरे उसका भी करियर वही है। क्या थोड़े देर में 13 होगा बोल रहा है, चलेगा 2 साल है वो होने के लिए। इसके बाद जो ऋषि भाई हैं, जब वो लाइव आए थे अपने यूट्यूब पे, तो काफी लोग उनको बोल रहे थे कि जिम अभी देखने को मिलेगा, तो इसके ऊपर उन्होंने रिएक्ट करा, उन्होंने क्या बोला वो आप लोग देख सकते हैं। मावी जॉइनिंग जी, माया वी था जी में, ग्रोथ थोड़ा मिस्टेक हो गया। हां उल्टा उल्टा बोल रहे हो। वेयर इन फिलीपींस? वी आर करंटली इन मनीला जी। बीजे में अनाउंसमेंट कब? अभी तो हमारा शूट होना बाकी है, तो होपफुली नेक्स्ट वीक सम टाइम विल बी रेडी। हां नेक्स्ट वीक होपफुली सम टाइम वी विल गेट शिवानंदी सर की तरफ से, एंड उन्होंने रीशेयर करी थी मेमोरीज को जो कि वेल क्लासिको की थी, एंड वो आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसको दोबारा से रीशेयर किया था अन्ना ने। इससे रिलेटेड काफी लोग जो ऋषि भाई हैं उनसे चैट में पूछ रहे थे, तो उन्होंने रिवील किया था कि हमारे को वेल क्लासिको दोबारा देखने को मिलने वाला है दिल्ली में 8 को, एंड वो वाली क्लिप आप लोग देख सकते हैं। Till the season doesn't get over, they're going to continue practicing and being in for you. ये GE VLT क्या चल रहा है भाई कब से GE VLT का मैं आपको मंडे को बताऊंगा, मंडे कल है, संडे को आ रहे संडे को तो संडे को आ रहे संडे को नहीं संडे को बताते हैं। There is a really epic surprise being planned. It's this one, like for all of y'all that are here, this one is for all of y'all. It's for the fans. We're only doing it for Valorant. We're doing it for the fans. Like I'll be honest with y'all. Rossi and Golu ki Korea ki ticket book ho gayi thi. Humne cancel karwai so that we could make this happen for y'all. So if y'all want to meet all of us, meet the team, meet everyone at GE, meet everyone at VLT, shayad aapko Delhi aana padega. Delhi dur hai. Delhi dur hai Philippines se. बट शायद आपको दिल्ली आना पड़े। नॉट एल क्लासिको ब्रदर, इट्स वैल क्लासिको। एल क्लासिको तो बहुत है, ये वैल क्लासिको, बिकॉज़ यू आर गोइंग टू गेट टू सी ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स ओल्ड स्कूल
क्लासिक जीई और गॉड स्क्वाड एज पीपल नो. ओ हेलरेंजर जस्ट गॉन लाइव ऑन इंस्टाग्राम, इंस्टा लाइव. रंजन आपको डिटेल्स मिल जाएंगे ऑन मंडे. मंडे और ट्यूसडे विल बी शेयरिंग ऑल द थिंग. एक्चुअली तेरे पास है वो वीडियो, हाँ इस पर दिखा दे लीक. अच्छा लगा इधर क्या, अरे अपनी अपनी पब्लिक है ठीक है, अपने फोन से दिखा दे कहाँ क्या दिखेगा उनको ठीक है. बट एक जन का आंसर कर ले तब तक जब मैं ढूंढ रहा हूँ मास्टर्स कभी होगा बिकॉज़ ध्यान रखिए स्टेडियम फुल करेंगे. यू थिंक वी कैन रियली फिल अप अ स्टेडियम? नॉर्डवेन को मुंबई लाना पड़ेगा. लुक नॉर्डवेन ऑलरेडी हैज एन एंटायर लैंड सेटअप इन दिल्ली, सो इट्स वेरी वेरी रिसोर्स हैवी टू गेट देम टू मूव इट टू मुंबई. इट्स इजियर, I say that easier because it's not easy, but it's easier for the players and teams. Play with it, play with it. Background play with it. No, no audio. No audio. No audio. Okay, fine. So it's just easier for them to do it over there than to move their entire warehouse, their entire setup, their land setup to Mumbai. That is a lot more expensive than the players traveling to Delhi. I'm just. Dikh nahi raha hai. Good. Wohi. That's the point. Ye secret reveal. Glimpse. A glimpse. One last time, Val Classico, Anna already tweeted, nice. I'm glad you said this because Anna leaked it, then not me. I don't know what it is. ये मैं clip कर लूँगा. Nordwin का Mumbai wing मैं handle कर लूँगा. Don't worry, हम हैं ना Mumbai में. इसलिए तो Nordwin love us because वो दिल्ली में, हम Mumbai में, साथ में काम करते हैं. Best, मजा आता है. दिल्ली दूर है हमसे. But I will also be there on 8th. So be there. मैंने तो ये. But I will also be there on 8th. So be there. मैंने तो ये भी बता दिया, 8th को हम आने वाले हैं. You are going to see Val Classico on 8th of June. Classic Global Esports / God Squad against Team Velocity Gaming. उन्होंने बात करी थी ई-स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो उन्होंने इस पे क्या बोला वो आप लोग देख सकते हैं. If you keep grinding, you may be able to replace someone. It also requires a lot of time, which is really difficult. But yeah, I'll try my best. मैं पहले अपना गेम सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा. ऑब्वियसली बात है, बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ ट्रैवलिंग, बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ ट्रैवलिंग इट बिकम्स डिफिकल्ट, एंड दैट इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट मेरे लिए स्पेशली. मत खेलो स्पोर्ट, बहुत हेट मिलता है, सारा मूड खराब हो जाता है चैट देख के. सी दैट इज अ पार्ट ऑफ एनी स्पोर्ट, ठीक है, दैट इज अ पार्ट ऑफ एनी स्पोर्ट. बट हाँ, वो चीज़ हम लोग को लाइक मैं आप लोग को अगर बोल सकता हूँ कि यार गाइज थोड़ा ध्यान रखो इस चीज़ का, बी एट एनी टीम. आप लोग को नहीं, मैं आप लोग को बोल रहा हूँ सिर्फ, ठीक है, बी एट एनी टीम, जस्ट शो योर सपोर्ट, दैट इज़ वॉट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. गिव ऑल योर एनर्जी टू दैट टीम विच यू सपोर्ट, दैट इज़ द बेस्ट पार्ट. टीम एल्डर के भाई एक बात बोलता हूँ आप लोग को, ठीक है गाइज, कसम से बोल रहा हूँ. तो ईस्पोर्ट्स का सीन आप लोग को बताता हूँ क्या है, ठीक है. आज जब खेला ना, आज क्या ये दो दिन जो खेला ना इवेंट मैंने, मैं लिटरली मेरे को ऐसा लगा कि यार ग्राइंड करना चाहिए, ठीक है. ऑब्वियस ही बात है, ग्राइंड तो चलो दूर की बात है, बट ऐसा मन किया कि भाई ऐसा मन किया कि साला ईस्पोर्ट काश खेल रहा होता, कितना प्रैक्टिस करता, मज़ा आता, पूरा दिन खेलता रहता, प्रैक्टिस करता, जो भी है. लेकिन वो चीज़ पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑलरेडी मैं टीम सोल जो बनी हुई है, गोल्डी भाई मैं और थग, अरे यार इसकी बैंड की हो गया, काश मैं खेल पाता. मतलब वही बात है, बिंग दो देखो डाल दिया. मतलब आप समझो, बीइंग द ओनर, आई डोंट थिंक सो, इट इज़ अ ग्लोबल रूल. आप किसी भी स्पोर्ट्स में देखो भाई, मैनचेस्टर यूनाइटेड का ओनर जाके थोड़ी ना चेल्सी की टीम में खेलेगा, मतलब वो बात हो गई. वैसा मतलब मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ कि इट इज़ एक्चुअली नॉट पॉसिबल बिकॉज दैट इज़ हाउ इट वर्क्स. मन कितना भी करे यार, दिल कितना भी करे, मन कितना भी करे, बट समटाइम्स इट हैज़ टू बी ओनली लाइक ऑफिशियली नहीं खेल सकता मैं, आई कैन स्टिल प्ले अनऑफिशियल इवेंट्स,
यस गाइज, हम लोग ऑब्वियसली लॉन्च पार्टी के लिए क्वालिफाई नहीं हो पाए आगे के लिए, लेकिन डोंट वरी, दैट वाज ओनली द हाई, बट इट्स ओके, इट्स ऑल राइट. हम लोग नेक्स्ट वाले में देखते हैं क्या करेंगे. कैसे हो सब लोग? एंड इसके बाद जो पुकारे जब वो लाइव आए थे तो उनसे काफी लोग बोल रहे थे कि जो टीएक्स है उनके पास कोई कोच एंड एनालिस्ट है, उनका कोई ऐसा प्लान है, तो इस पे उन्होंने बात करी. एंड काफी लोग उनको ये भी बोल रहे थे कि टीएक्स को लीव मत करना, तो इस पे उन्होंने रिप्लाई करा, उन्होंने क्या बोला वो आप लोग देख लो. TX के पास कोई एनालिस्ट है और एनी प्लान्स ऑफ इंक्लूडिंग वन इन फ्यूचर नहीं है और ना ही कोई प्लान है इंक्लूड करने का अपार्ट फ्रॉम. कर दो भाई प्लीज प्लीज, TX लिफ्ट मत करना ब्रो, बहुत मुश्किल से बेस्ट टीम बनी है एंड दिस टीम डिस्ट्रॉइंग लॉबी. मैं अपनी तरफ से तो नहीं लीव करूंगा क्योंकि मैं एक विजन के साथ इस टीम में आया हूँ, तो आप उस चीज की चिंता बिल्कुल भी मत करो. कार भाई हाइलाइट्स डाल सकता हूं क्या? तो बस गाइस यार, अभी के लिए मेरे पास इतनी न्यूज़ थी एंड आगे कोई और अपडेट मिलेगी तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा. तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना.